हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फौजी फैमिली ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, बहुत दिन के बाद में आज किचन में काम करने का मौका मिला है, क्योंकि बहू नहीं है, अकेले मैडम जी हैं। और सुबह का मॉर्निंग वॉक जो भी है था क्रियाक्रम हम लोग कर लिए हैं, पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है। तो अभी नाश्ता वगैरह की तैयारी चल रही है, तो आंटी अकेले थी तो मैं आ गया कि चलो भाई आपका भी थोड़ा मदद कर दे, कुछ बोल लो बच्चों के लिए। हाँ मेरे प्रिय प्रिय बच्चों, भगवान की मेहनत से बहुत बहुत भर भर के आशीर्वाद। और जल्दी नहा धो और कार्तिक भी चढ़ने वाला है काल, परसों से काल भी पूर्णिमा है। और बोलते खीर बना करके तो सबको पता है, रखते हैं चंदनी में और सुबह खाते हैं, गोपाल जी के भोग लगाते हैं। तो मैं तो गोपाल जी नहीं रखी हूँ, लेकिन रख देती हूँ छत पर, देखती हूँ कोशिश करूंगी। और देखो ये चाला मिठाई भी देख लो, ये यहाँ पर टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची रख दिया है। ये मेरे को काम करना है। इधर चाय बना दिया है, चाय एक बार तो पी लिया हूँ, आंटी अपने लिए बना रही है, साथ में मैं भी पी लूंगा। इधर चना, चना की सब्जी आज बन रही है, तो चना उबालने, छोला है, काबली छोना है, और इसको बनाने के लिए डालते हैं काला हो जाए, टेस्ट बनता है। इधर दूध उबाल हो रहा है, जा रहे, खुशी रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत भर भर के आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द फौजी फैमिली ब्लॉग्स। ब्यूटीफुल सुबह सुबह आप उठो और ये ब्यूटी आपको देखने को मिले, सो अमेजिंग। कैन यू सी द कलर? और कैमरा में इसका कलर एग्जैक्टली ऐसा नहीं आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, ब्लू कलर है इसका। और ये अपराजिता का पौधा है, अपराजिता का प्लांट घर में लगाना चाहिए, काफी अच्छा होता है। यहाँ पे बन रहे हैं मूंग की दाल के चीले, स्पेशल ब्रेकफास्ट। और ये नन्ना से जो बन रहा है ये है मूंग की दाल का हलवा, ये स्पेशली मेरी डिमांड पे बनाया जा रहा है। तो क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का, मम्मी बना रही है, और तो कोई ज़्यादा नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ। सो बनेगा तो दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बनता है। और ये सुंदर सा बन रहा है चीला, इतना बड़ा मूंग की दाल का, टेस्टी टेस्टी। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ये देखो मम्मी ने बहुत अच्छे से घी में भून लिया है, बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। मैं सोची थी किस चीज़ की खुशबू आ रही है, मैं भूल गई हलवा बन रहा था क्या मस्त तरीके से भून लिया है इसे। यहाँ पे केसर भी पानी में भिगो दिया है, तो कलर आ गया है, ये जाएगा हलवे में, टेस्ट भी बढ़ेगा, कलर भी आएगा, मस्त लगेगा। यहाँ मम्मी भून रही है मावा खोया। सो गाइस, यहाँ पे रेडी है खुशबूदार ड्राई फ्रूट्स वाला मूंग दाल का हलवा, बहुत सही लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और मैंने ये बिगाड़ दिया, यहाँ पे देखने में तो अच्छा लग रहा था, आई एम श्योर खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। गाइस ये है मेरा हलवा, बहुत टेस्टी लग रहा है, गर्म तो नहीं रहा है अभी, और लेकिन देखने में तो बहुत ही यम लग रहा है। हलवा टेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे पता है अच्छा ही होगा, वैसे तो बहुत टेस्टी बनाती हूँ मम्मी। परफेक्ट, बहुत सही बनाया, बहुत सही, मज़ा आ गया, सुपर बनाया, सुपर परफेक्ट, मीठा परफेक्ट टेस्ट, यम। गाइज़ मैं यहाँ पे कुछ काम से आई थी, मगर एक रिंग पे मेरा इतना दिल आ गया कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं वो ले लूँ, और बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने वो ले ली है, देखो आप भी। तो यहाँ पे ना आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी डायमंड रिंग्स पे, बहुत बजट फ्रेंडली, और जिस भी रेंज में आपको चाहिए हर टाइप की ज्वेलरी। मैंने यहाँ से और भी चीज़ें ली थी तो मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। और हैवी ज्वेलरी चाहिए आपको तो वो भी है, देखो आप डायमंड रिंग्स में कितने डिज़ाइन हैं। वही सब निकल गया, और देखते हैं अभी मार्केट जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें जो सैटरडे मार्केट में नहीं देख पाए थे उसको देखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बाकी जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया। Like a phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire, you transform at all.
गाइज मैं यहाँ पे हूँ शंभू स्वीट कॉर्न वाले भैया पर, और इतने अमेजिंग इनके पास वैरायटी होती है ना स्वीट कॉर्न्स की। देखो कितने सारे इवन चीज़ स्वीट कॉर्न्स, इतने मस्त लगते हैं देखने में, इतने बढ़िया लग रहे थे। चीज़ स्वीट कॉर्न्स, चीज़ स्वीट कॉर्न्स खा रहे हैं हम यहाँ पे। गाइज मार्केट में रौनक देख रहे हो, कितनी मस्त, बहुत अच्छी सजी हुई है, मज़ा आ रहा है। तो गाइज ये है वो ब्यूटीफुल सी प्रिटी सी रिंग जिसपे मेरा दिल आ गया था, बहुत स्वीट सटल और सोबर लगी थी मुझे, और पहन के भी काफ़ी ग्रेसफुल लग रही थी, और इसको मैं रेगुलर वेयर में भी पहन सकती हूँ, और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है और आप लोगों को किस तरीके की ज्वेलरी पसंद है। सो गाइज जैसे कि आपने देखा मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी डायमंड रिंग ली है, और कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना। सो धनतेरस भी आ रहा है और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आपको गिफ्ट किया जाए, एज मैं हर साल कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ कि मैं ले लूँ, चाहे धनतेरस पे और आसपास होता है बर्थडे तो एक ही बात हो जाती है। सो इस बार मैंने ये सुंदर सी डायमंड रिंग ले ली, मुझे पसंद आ रही थी काफ़ी, और बजट फ्रेंडली भी थी, मेरे बजट के अंदर थी। तो आप भी कमेंट करना कि आप लोग धनतेरस पे क्या लेना प्रेफर करते हो या लेते हो या कुछ भी ले सकते हैं, इट्स नॉट बिग डील कि कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर लेना है, बट लेते ही हैं जनरली लोग। तो कैसी लगी आपको मेरी रिंग ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और जल्दी से घर जाने वाली हूँ मैं अभी, तो वो व्लॉग भी फटाफट से आने वाला है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ये जो शॉप है ये चेकआउट आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ रिंग्स ज्वेलरी कुछ भी मिल जाती है। सिल्वर में भी आपको कुछ लेना है तो वो भी मिल जाता है काफ़ी अच्छा, ठीक है। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। Rise from the ashes.